थोड़ा सा मैं आपको बिहाइंड द सीन दिखाता हूँ। इस वीडियो का जो आपने थंबनेल देखा है ना, वो हम शूट करने आए हैं इस छत पे, इस सुंदर बैकग्राउंड के अगेंस्ट जोगिंदर अपना सुंदर शरीर दिखाएंगे। जो ये व्लॉग है बड़ा स्पेशल है, हमें ज्वाइन किया है जोगिंदर ने। क्या कहेंगे आपको, बॉडी बिल्डर कह सकते हैं? बिल्कुल, फिटनेस ट्रेनर कहेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग छोड़े मुझे 3-4 साल हो चुके हैं। और पीपल फार्म इन्होंने इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि ये हैं वीगन। अब जैसे वीगन सप्लीमेंट वगैरह लेते हो? मैं वर्कआउट के बाद एक इसको प्रोटीन लेता हूँ जो प्लांट बेस्ड होता है। ये सारी चीजें हम डिटेल में बात करेंगे जोगिंदर जी के घर जाके। तो जोगिंदर ने गाँव में ही घर लिया, हमने इन्हें घर प्रोवाइड किया था, पर इनको जिम के पास घर चाहिए था, कोई जाहिर सी बात है। ये आपकी साइकिल है? हाँ जी, इंदौर से मैं साइकिल लेकर आया हूँ ताकि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो मुझे। गाड़ी पैदल ही चले ना? हाँ, अभी तो पैदल ही चलेंगे। कैरियर इस पे है नहीं, आप मुझे बिठाओगे कहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, पैदल ही चलेंगे हम। नज़ारे भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, नज़ारे अच्छे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है हमारा धनोटू गांव, और यहाँ से पूरी धौलाधार रेंज दिखती है। ये हमने जो घास लगा रखी ना, हमारे सारे गाय बैल हैं उनके लिए है, प्लस जो घूमने वाले गाय बैल हैं कभी वो भी घुस जाते हैं, वो भी थोड़ी सी स्नैकिंग यहाँ पे कर जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो आपकी डाइट है सप्लीमेंट्स के अलावा जी, वो मतलब आप बेइंतहा खाना खाते हो या? मैं दिन में 4 से 5 मील लेता हूँ हर 2.5 से 3 घंटे के गैप में, जब मैं तैयारी करता हूँ या मुझे अच्छी फिजिक बनानी होती है उस समय पे। अगर मैं छोड़ के रखता हूँ वर्कआउट तो उस समय फिर मैं नाश्ता करता हूँ, लंच और डिनर, बस इतना ही। बहुत टाइम से मेरा वर्कआउट बंद था, लेकिन अब मुझे फिर से बॉडी बनाना है, तो अब 2 महीने में तैयारी करने वाला हूँ। ये पूरी 2 महीने की जर्नी आपको इन ब्लॉग्स में मिलती रहेगी। क्या खा रहा हूँ, कब खा रहा हूँ, वर्कआउट क्या कर रहा हूँ, वो मैं पूरा बताता रहूँगा। आप वो एक बार फोटो दिखाओगे जो आप दिखा रहे थे जी मुझे? जोगिंदर जब एक्सरसाइज कर लेते हैं, जिसे कह रहे थे, मैंने तो नई चीज़ सीखी है कि पंप हो जाता हूँ मैं। बिल्कुल, बॉडी पंप हो जाती है एक्सरसाइज के बाद में, और काफ़ी अच्छे फिर मसल्स उभर के दिखते हैं। लेकिन जैसे ही उसके 1 से 1.5 घंटे बाद, सभी के साथ यही होता है, फिर पंप चला जाता है। मेरे इंस्टा पे अपलोडेड है फोटो। ओह, इंस्टा से मुझे ध्यान आया, हम अब एक चैनल शुरू करेंगे पीपल फार्म फिटनेस, तो उस पर हम दोनों तरह की फिटनेस की बात करेंगे। एक तो जो मेरा वर्जन ऑफ फिटनेस है कि भाई मैं 44 साल का हूँ और मैं चाहता हूँ कि 60-65-70 फुल ऑन एनर्जी रहे मेरे में, ताकि जो मैं काम कर रहा हूँ वो अच्छे से करता रह सकूँ। और एक फिटनेस हो गई जोगिंदर जी वाली। बिल्कुल, तो ये 26 से 30-35 साल तक के लोगों के लिए, जिनको मसल बिल्ड करने, जिनको सिक्स पैक बनाने, जिनको एकदम शेडेड होना है, जो कपड़े पहने तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे उनके लिए। और दोनों ही फिटनेस ऐसी हैं कि भाई जिसमें पशुओं को हानि ना हो, और क्योंकि डाइट प्राथमिक तौर पे प्लांट बेस्ड है, मतलब है तो पूरी प्लांट बेस्ड, मेरी होल है, इनकी में सप्लीमेंट्स भी है, तो आपकी हेल्थ अंदर से भी ज़्यादा अच्छी रहेगी। बाकी मेरा मानना तो यह है भाई, फिट दिखने से ज़्यादा ज़रूरी है फिट होना। बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है। लेकिन अब जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो आजकल बहुत प्रभावित हो चुकी है, जो इन्फ्लुएंसर हैं इंस्टाग्राम पे, जो स्टेरॉइड ले लेकर अपनी बॉडी शो करके उनको उन्होंने पूरे तरह से उनका माइंड बदल दिया, तो उनको ये बात समझाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि फिट दिखने से ज़्यादा ज़रूरी है फिट होना। वो फिट दिखना ज़्यादा ज़रूरी समझने लगे हैं। तो ठीक है, फिट आप दिखना भी चाहते हैं तो उसके लिए भी हम आपको गाइड करेंगे। बाय द वे, हम अभी जिस पूरे झाड़ के साइड से निकले ना, ये है हमारी बिच्छू वटी। तो आप इसकी चाय बना के पियो, आप इसका साग बना के खाओ। तो मैं तो ऐसे देसी चीज़ों में, देसी खाने में टोटली बिल्कुल इन्वॉल्व हूँ। ये आपको जिम के सबसे पास मिला कमरा? जी, सबसे पास मिला मुझे। एक बात बताओ, अच्छा जी जी, आप वीगन हो जी, और आप ऐसे रोज़ एक गाय को देखते हुए जाओगे तो आपको थोड़ा लगता नहीं है? तभी तो मैं ज़्यादा अच्छे से वीगन एक्टिविज्म कर पाऊँगा ना। हमारा जो गाँव है ना, जैसे कांगड़ा के और घर हैं, आपको हर जगह ये स्लेट की छत दिखेगी। अब तो खैर मॉडर्न होता जा रहा है, शीटें लग रही हैं, पर ये स्लेट जो है ये हमारा यहाँ पे नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल है आपका। हाँ, ये हमारा जूते ले आऊँ? हाँ बिल्कुल ले आइए, आपका वेलकम है मेरे रूम में। मेरे पास थोड़ा सा सामान था किचन का जो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। अच्छा, ये आप लेके आए हो अपना इंडक्शन और? हाँ, सब जी, इंडक्शन, पानी गर्म करने के लिए मेरा प्लांट बेस्ड प्रोटीन। और तो ये आपका सप्लीमेंट नंबर 1 हो गया, और कुछ सप्लीमेंट वाइज? सप्लीमेंट में मेरा ये क्रिएटिन है और ग्लूटामिन है। पीनट बटर लेता हूँ। इसमें शुगर या सॉल्ट होता है क्या? इसमें वो हिमालयन सॉल्ट डाला हुआ है, देख लीजिए। देखो इसमें कितना कुछ है, इसमें मिल्क पाउडर है जोगिंदर जी, ये तो वीगन नहीं है, आप बताओ भूले थे ना खा गए? ये देखो,
इंग्रेडिएंट्स में लिखा है। अच्छा हाँ, ये लिखा मिल्क पाउडर शुगर। अरे ये तो हेल्दी भी नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, तो अब मैं पीपल फार्म का यूज करूंगा, पीनट बटर इसका, और ईमानदारी से फीडबैक दे रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप मुझे खाने का बताओ। सबसे पहले उठते से मैं ओट्स लेता हूँ, थोड़े उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल लेता हूँ। हाँ। और फिर उसके बाद जो सेकंड मील होता है मेरा पीपल फार्म में होता है, थर्ड मील भी मेरा पीपल फार्म में जो लंच होता है वो होगा। उसके बाद मैं वर्कआउट करने जाऊंगा, उसके बाद मेरा जो फिफ्थ मील होगा वो पोस्ट वर्कआउट होगा। फिफ्थ मील कैसे होगी आपकी, फोर्थ होगी ना? सॉरी, फोर्थ मील जो होगा वो मेरा पोस्ट वर्कआउट होगा जिम में, जिसमें मैं एक स्कूप प्रोटीन लेता हूँ, उसमें क्रिएटिन और ग्लूटामिन डाल के लेता हूँ। उसके बाद जो मेरा फिफ्थ मील होगा वो डिनर होगा, वो भी मेरा पीपल फार्म में होगा। तो तीन मील पीपल फार्म में हो गई, एक आपकी सुबह ओट्स हो गई। जी। ये मसाला ओट्स है? ये नॉर्मल सिंपल ओट्स है, मसाला ओट्स हमें नहीं खानी चाहिए, सिंपल ओट्स ही खानी। क्यों? उसमें थोड़ा वो टेस्ट के लिए भूसी चीजें मिला देते जो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। ये आपका सिंपल जो ही है ओट्स है ना, समझ गए एकदम। तो ये सबसे बेस्ट है फाइबर। एक सेकंड इंटरप्ट करूंगा आपको, मैंने आपको फार्म से निकलते हुए घास दिखाई ना, हमने उगा रखी है गाय की, वो जॉय थी। तो हम तो बस घास ही काट के गाय को खिला देते हैं, पर उसका बीज आ जाए तो उसको प्रोसेस करके थोड़ा सा रोल करके उससे बनते हैं। ओट्स के लिए आप इतना पर्टिकुलर मसाला भी नहीं हो। हाँ। और पीनट बटर में हमने देखा नहीं क्या क्या डाल रखा है। पीनट बटर में मैंने सोचा पीनट बटर तो मूंगफली से मैंने देखा नहीं, क्योंकि जहाँ पे हम श्योर हो जाते हैं कि पीनट बटर ही तो है, तो वहां पे नहीं चेक कर पाते। बाजार में क्या, मैं आपको बताता हूँ, जो ये सॉल्ट और फैट कॉम्बिनेशन एडिक्टिव है, तो ये तो हम चिप्स खाते हैं ना, नो वन कैन ईट जस्ट वन। फिर शुगर और फैट कॉम्बिनेशन भी एडिक्टिव है, तो पीनट बटर में ये लोग क्या करते हैं, पीनट ऑयल तो होता ही है, साथ में थोड़ा सा और ऑयल डालते हैं फैट बढ़ाने के लिए, फिर ये साथ में शुगर और सॉल्ट डालते हैं ताकि ये एडिक्टिव हो जाए और हर चीज हम टेस्ट के चक्कर में खाते चले जाए, और जो चीज हेल्दी हो सकती थी वो मरी अनहेल्दी हो जाती। आपने जैसे प्रॉमिस किया था आप ये उतार के दिखा रहे हो। हाँ, तो ये उतार के मैं दिखाता हूँ बिल्कुल। पर मुझे ये भी बताओ कि आपकी तो इतनी जबरदस्त बॉडी है, तो पहने रखने का कारण क्या है? मैं टी शर्ट पहन के घूमता हूँ या अपनी बॉडी को प्रदर्शन उसका ज्यादा कर रहा हूँ, तो चाहे मैं मजबूत हूँ, मैं समझता हूँ कि नहीं मैं देह नहीं हूँ, लेकिन जो सामने वाला मुझे वो इस नजर से देखता है कि मैं एकदम पूरी तरह से शरीर हूँ, तो वो जो मेरे अंदर जो देह भाव सघन होता वो एक आध्यात्मिक दृष्टि से आप देखेंगे तो वही दुख का कारण है। इसलिए मैं अपने आप को ढक के रखता हूँ, इससे इसे कवर करता हूँ, कुर्ते पजामे पहनता हूँ। और कारण पर्यावरण से जुड़े हुए भी हैं कि मैं जीन्स और ज्यादा नए कपड़े और ये सब नहीं पहनता, ये मैं कुर्ता पजामा पहनता हूँ, दो जोड़ी है मेरे पास। मुझे जोगिंदर की ये सोच नहीं पता थी आने से पहले भी, मुझे यही था कि वो फिट है, वो वीगन है, वो यहाँ पे आए और लोगों को बताएं कि भाई फिट दिखने के लिए भी आप वीगन रह के ये कर सकते हैं, आपको पशुओं को कष्ट पहुंचाने की जरूरत नहीं है। अभी बहुत कमजोर हो चुका हूँ, वो चीज़ समझ में आती है, लेकिन जैसे अभी मैं तैयारी करूँगा उसके बाद आपको मेरी बॉडी खतरनाक हो। बाप रे, एंड कट। आपके कोई सवाल होंगे तो आप कमेंट्स में छोड़िए, वो हम अगले व्लॉग में भी एड्रेस करेंगे। साथ ही साथ जो हम पीपल फार्म फिटनेस का इंस्टाग्राम पेज बना रहे हैं, वहां पे भी हम उसके विषय में रील्स बनाएंगे।